देहरादून में बीजेपी के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पत्रकारों से चर्चा की है। इस चर्चा में उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग उस शख्स के बारे में जानते होंगे जिसने यह कहा कि माउंट एवरेस्ट ही दुनिया की सबसे ऊंची यानी कि पर्वत चोटी है। उन्होंने कहा कि माउंट एवरेस्ट की सही ऊंचाई बताने वाले राधानाथ सिकदर थे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राधानाथ सिकदर का नाम भी एवरेस्ट के नाम से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि राधानाथ सिकदर वह व्यक्ति है जिन्होंने एवरेस्ट की सही ऊंचाई को नापा था और लोगों के सामने एवरेस्ट की सही ऊंचाई रखी थी। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा भारत सरकार को भी एक पत्र लिखकर एवरेस्ट में राधानाथ सिकदर के नाम को भी जोड़ने की बात कही जाएगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में हमने बताया, राधानाथ सिकदर के बारे में बताया, और हमारी मिनिस्ट्री का ये प्रयास होगा कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भी चिट्ठी लिखेंगे कि एवरेस्ट के साथ सिकदर का नाम भी जोड़ा जाए, क्योंकि वही पहला बंगाली व्यक्ति था जिसने माउंट एवरेस्ट को नापा, और वो राधानाथ सिकदर जी का नाम है। तो हम ये चाहेंगे कि सिकदर का नाम भी एवरेस्ट के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि एवरेस्ट तो जो जॉर्ज एवरेस्ट थे वो तो सर्वेयर थे, सर्वेयर जनरल थे, पर सिकदर वो भारतीय व्यक्ति था जिसने असली पिक 15 को नापा, एवरेस्ट को नापा।